हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो मुझे ऐसे इग्नोर करना, ठीक है? ओके, सो आज है 28 जैन, तो ये रात के बज रहे 7, ठीक है? और मेरी अभी की है ट्रेन 10:30 बजे की, और मुझे जाना है इलाहाबाद, और बस उसी की तैयारी चल रही है। इलाहाबाद में क्यों जा रही हूँ ये मैं आपको बताऊँगी थोड़ा सा आगे, और पूरी रात हमारा सफ़र होने वाला है, और मैं आपको इलाहाबाद जाके बताऊँगी कि इलाहाबाद हम क्यों आए हैं, ठीक है? सो गाइस, एज यू कैन सी, मैं अकेले आई हूँ इतना भारी सामान लेके। अपना मेट्रो भी आ गया, बस जल्दी से निकल रही हूँ। अब मैं खाली मेट्रो पड़ी है। एकदम खाली मेट्रो है, बस जस्ट वेटिंग फॉर सम। मेरा बैग भाग गया। अरे 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 अरे, आ जा। इलाहाबाद पहुंच गए हैं अपनी दोस्त सोनिया के साथ एंड आंटी जी के साथ। थैंक यू फॉर दिस। जरा मेरे फूल पकड़ने का कष्ट करेंगी, इन दोनों को मिला था। सो गाइज, फाइनली हम अपने रूम में आ गए। पूरी रात हम ट्रेन में थे, सफर कर रहे थे, लेकिन अब अपने रूम में। और जो हमारा इवेंट है आज का फेयरवेल, वो शाम को है 5 बजे। पूरा दिन हमारे पास अभी कुछ नहीं है, हाथ में जाएंगे, खाना पीना खाएंगे, नाश्ता करेंगे और सो जाएंगे। हम 3 दिन इलाहाबाद में रुकेंगे और तीसरे दिन रात को हम यहाँ से जाएंगे। 3 दिन का व्लॉग होगा ये, तो स्टे ट्यून्ड और ये व्लॉग इन्जॉय करो। आओ भाई, आपका इंतज़ार था। हमसे तो नहीं मिले ऐसे। ये हो जाएगा एंड देन उसके बाद पार्टी पुटी होता है, डांस वांस करते हैं बच्चे और कंपटीशन होते हैं। 5:00 का है ना? हां, 4:00 इट विल स्टार्ट। ओके, तो 4 बजे हम यहां से होटल से चलेंगे स्कूल पर। एंड उसके बाद आज एक छोटे छोटे बच्चे, उनके फादर्स मदर्स और मतलब मैसिव क्राउड रहेगा उसमें। मतलब सारे कितना डिस्टेंस है रहेगा वो कुछ 1.5 किलोमीटर का हिसाब से। तो उसमें मतलब आप गाड़ी में बैठिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? गाड़ी साथ साथ चलेगी आगे। हाँ। थोड़ा जब हम फोटो सेशन करेंगे तब आप बाहर आ जाइएगा, उसके बाद आप वैसा गाड़ी में बैठे रहिएगा, गाड़ी साथ साथ चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन कैंडल मार्च होता है, कैंडल मार्च करते हुए जाते हैं। कैंडल मार्च का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पढ़ाई को सशक्त करना। वो मतलब जो सारा जिस सोसाइटी से निकलेगा तो वो लोग रोटी के लिए तो इसी ने बोला था रोटी नहीं खाई जाएगी ना मेरे से। अच्छा अच्छा, ओके ओके। खाना ऑर्डर करना है, इतना सारा खाना हाँ जी सर, लिखिए पनीर बटर मसाला, ओके, और एक चिकन बिरयानी, ठीक है। हाँ, और क्या बोलते हैं, क्या बोला था, ये 2, 3, 5, 2, 7, 10 आप ये तावा रोटी कर दीजिए। 10 बहुत है। आंटी धूप में चमक रही है बिल्कुल। तो गाइस, हम आए हैं अपना धूप सेकने, पूरे दिन से पूरी रात से हम अंदर ही अंदर थे। आज हमें रोशनी दिखी है, आज रोशनी मिली है हमको। फाइनली रोशनी में आया, धूप में धूप सेकने। दिल्ली में हो रही है बारिश अभी इसी वक्त, और यहाँ पर देखो, और हम वेदर कास्ट कर रहे हैं। और अभी इतनी प्यारी बिल्ली मिली है, वो देख।
वाला प्यार भाग गई अब वो देखता रह गया क्यों जा रही है बड़े लोगों को फोन करके बुला रहे हैं हम यार हम लोगों ने लंच कर लिया और इनको भी कराया ये देखिए मतलब और खिला दो कितना खाना है घर के मुकाबले में चले चले के आते हैं वो क्या बिरयानी होगा तो गाइस हमारा लंच हो गया है और हमारे लंच में हमें इसने ज्वाइन किया है आधे से ज्यादा खाना हमारा इसी ने खाया है चिकन इसी ने खाया है सारा चिकन सारा इसी ने खाया एक इसकी गर्लफ्रेंड खाया वो एक थी ब्लैक कलर की उसका पेट भर गया वो चली गई हाँ वो सही है उसका पेट भर गया वो चली गई शांत होके बट इसका पेट नहीं भरा इसको चाहिए और इसको और चाहिए था सारा खा गया वो इसने मैंने पंजाबी मार ये रही ये सही है ये मुझे चेंज लग रही है ये दूसरी है ना तीन है फिर जो एक और ब्लैक थी वो दूसरी थी ये दूसरी दूसरा है दूसरा लग रहा है तो दूसरा ही है वो तो ये दूसरा ब्लैक है वो देखो वो चढ़ गया दिख रहा है मेरा जमा लिया उसने अब ढूंढेगा कुछ उसके लायक होगा तो खा लेगा मस्त लग रही थी कोरियन जैसी लग रही है बिल्कुल ऐसे तो पहनता पूरे ऊपर से भी कोरियन जैसा लग रहा है लुक थैंक यू मुझे नीचे दिखाने की रहता है बिल्कुल नहीं यू आल्सो लुक प्रिटी आर यू डन नहीं थोड़ा सा बाकी है वो 5 मिनट में आने वाला 5 मिनट में आ रही है क्या तो गाइस जल्दी भाग भाग के रेडी हो गए बहुत जल्दी रेडी तो हो गए थे और भाग भाग के गाड़ी में आए थे गाड़ी वेट करती है हमारा बाद जो फोन हिल रहा है नहीं इसी हिल रहा है क्योंकि हम गाड़ी में और बस सोनिया बड़ी मस्त लग रही है अभी हम है प्रिंसिपल ऑफिस में और अभी हम सभी टीचर से स्टाफ से एंड तारिक सर से मिले हैं तो ये आपको और अच्छे से डिटेल में बता सकती है तो टुडे आज हमारे बैनर स्कूल में क्लास 12 का फेयरवेल है जिसमें हमारी ये दोनों प्यारी प्यारी लेडीज आई हैं एज स्टार गेस्ट सो वी वेलकम देम थैंक यू मैम तो चलते हैं हम सब वेट कर रहे हैं लगा मजा आया क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने स्कूल में कभी फेयरवेल नहीं सेलिब्रेट करा ना 9th 10th 11th 12th कभी नहीं करा लेकिन अभी पता चला कि फेयरवेल कैसा होता है सो यू हैव एंजॉयड बहुत ज्यादा मजा आया आपको बहुत मजा आया बहुत मजा आया आप लोगों से मिलके यस थैंक यू लगा ही नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं एंड नाउ वी हैव बिकम गुड फ्रेंड्स हम लोग एक दूसरे को इंस्टा पे फॉलो कर चुके हैं सो वी विल स्टे कनेक्टेड हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे कहाँ पे आया डिनर पे आया आप भी फ्रेश फ्रेश ही लग रहे हो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश भूख है नहीं बट हम आ गए हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए कौन लेके आए और मैं सोच रही हूँ कोहिनूर कोहिनूर कुछ ज़्यादा वैसा भी नहीं है पहले तो चाइनीज आया है सोनिया के लिए चाइनीज आया है आपके लिए दाल राइस
क्यों नाक बन जाऊं दुख दुख दर्द पीड़ा मेरे नहीं 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 मैं सूप खाऊंगी सूप पीऊंगी नहीं 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 सूप लूंगी मैं पीऊंगी मेरे नाम की खा लेना ठीक है. सो गाइज आज का जो डे था आज का जो फंक्शन था फेयरवेल वो आज ख़त्म हो गया है और हम सीधा अपना डिनर करके अपने होटल आ गए और मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए. हमने मतलब बहुत मज़ा करा बहुत मज़ा आया आज पूरे दिन. जैसे कि मैंने बताया कि मैंने अपनी स्कूल लाइफ में कभी भी फेयरवेल नहीं मनाया और ना 9th 10th 11th 12th मैंने कभी मेरे मतलब मुझे पता ही नहीं फेयरवेल कैसे क्या होता है बस ये कि हाँ फेयरवेल होता है. तो आज मैंने मतलब एक तरीके से ये मान सकते हो कि मेरा भी फेयरवेल था और मैंने सब कुछ देखा बहुत मज़ा आया. और बच्चों की स्पीच जो बच्चे अपना रेडी करके आए थे टीचर्स के लिए फ्रेंड्स के लिए स्टूडेंट क्लासमेट एंड सब के लिए और उनके डांस परफॉर्मेंस एंड मतलब मेरा मुझे भी अपना एक स्कूल का वो याद आया कि अच्छा ऐसा होता था. मैं बहुत थक गई हूँ सच में मतलब अभी मेरे को याद आया तो बस पैर मैंने जूते से पैर दुख गए. जूते मेरे साइज़ के हैं लेकिन बस दुख जाते हैं बैठे 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 बैठे. और वहाँ पर भी फेयरवेल में हम एकदम फ्रंट रो में बैठे हुए थे इतने देर से बैठे बैठे. तो आज का ये व्लॉग यहाँ पर एंड होता है. हमने बहुत मज़े करे आप सब देख सकते हैं और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. सो प्लीज़ शेयर दिस व्लॉग एंड डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 2.